आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज को। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तथ्य, कथनों में से कौन सा कथन सही है ये पता करना है आपको। पहला स्टेटमेंट कहता है विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, ठीक है। दूसरा है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, ठीक है। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनमें से किसी भी फंक्शन पर कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाते हैं, इसलिए दोनों ही गलत हैं, ठीक है। अगला है लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र नॉमिनेशन पेपर कहाँ फाइल किया जाता है या कौन फाइल कर सकता है। तो इसमें है कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र में की मतदान सूची में है वो दाखिल कर सकता है नॉमिनेशन, ठीक है। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। तो इसमें पूछ रहा कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। 50% एटलीस्ट कह रहा है। इन इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% 50% मेजॉरिटी का क्या ऐसा कोई रूल होता है कैंडिडेट्स के लिए? तो वो नहीं होता है, क्योंकि उनको मैक्सिमम वैलिड वोट लाने होते हैं, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा, भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के जाता है। इसमें कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कहा गया, जबकि गलत है। ये एक प्रोविजन बन चुका है, एक कस्टम बन चुका है, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग है अपने आप में, पर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं कहा गया, इसलिए यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। फिर अगला है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ लीगल राइट, ठीक है। विविध अधिकार है, विधिक अधिकार है, लीगल वोट है, लीगल राइट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। तो ये गलत है, क्योंकि थ्री मेंबर्स होते हैं, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, फिर 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा है, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनावों दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। यूनियन होम मिनिस्टर डिसाइड्स इलेक्शन शेड्यूल, तो गलत है, क्योंकि ये तो काम इलेक्शन कमीशन का होता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट को रिलेटिंग टू स्प्लिट मर्जर ऑन ऑफ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये सही है, इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम का होना आवश्यक नहीं है। पहला है राज्य विधानसभा का विघटन, दूसरा है राज्य के मंत्रिपरिषद को हटाया जाना, तीसरा है स्थानीय निकायों का विघटन, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा आवश्यक नहीं है, तो पहला और तीसरा आवश्यक नहीं होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हुई हो या फिर वहाँ के लोकल बॉडीज डिसॉल्व हुई हों, लेकिन रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है वो आवश्यक होता है, ठीक है। हमको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको हटाना पड़ता है, तभी तो वहाँ की सरकार हटेगी और प्रेसिडेंट रूल चल पाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली ज़रूरी नहीं कि डिसॉल्व की जाए, ठीक है। इसलिए सेकेंड वाला छोड़ करके फर्स्ट 10-3 जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, आवश्यक नहीं होते, ठीक है, उसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म।
तो इसका आंसर है ये संघबद्ध होने वाले इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम हो। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरली फेडरेटिंग यूनिट। ठीक है, फेडरलिज्म का ये फीचर नहीं होता है, ठीक है, एग्रीमेंट नहीं होता क्योंकि कोई भी फेडरलिज्म में। अगला है स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज इन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ही विकेंद्रीकरण होता है। अगला है भारत के संसद किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर निरंतर रखती है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू। ठीक है, तो पार्लियामेंट कंट्रोल कैसे रखती है, एडजॉर्नमेंट मोशन, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक काल, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, क्वेश्चन आवर और एडजॉर्नमेंट मोशन, इन सब के थ्रू कंट्रोल रखा जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन है भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित हैं। तो इसमें पूछा कौन से सही है। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय। तो ऐसा नहीं है, प्राइवेट मेंबर बिल जो भी होता है वो मेंबर्स प्रेजेंट करते हैं जो कि किसी भी मिनिस्टरियल पोस्ट में नहीं होते। ठीक है, इसलिए फर्स्ट गलत हो जाता है। दूसरा है रिसेंटली ए प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास इन पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऐसा नहीं है, पहली बार तो कई साल पहले ही प्रपोज हो चुका था, पास हो चुका था, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाते हैं। अगला है संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट। पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट का मेन एडवांटेज पूछ रहा है, लाभ, प्रमुख लाभ क्या है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर को। द एग्जीक्यूटिव रिमेंस रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व रहती है, बना रहता है उनका उत्तरदायित्व। अगला है निम्नलिखित कथनों में से एक उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइन द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि, अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल। अगला है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है, जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है। तो विधियों और कार्यपालिका आदेशों के संविधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। ठीक है, कि जो भी जजमेंट्स दिए जा रहे हैं, जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं या कोई भी लॉ लीगल एक्टिविटी हो रही है उसमें कोर्ट्स जो होते हैं वो उसको रिव्यू करते रहते हैं। ठीक है, उसका निरीक्षण वो करते रहते हैं कि कोई भी चीज़ किसी स्कोप से बाहर तो नहीं हो रही है, इसलिए जुडिशियल रिव्यू का ये मतलब होता है। अगला है लोकतंत्र के उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बना रहता है। डेमोक्रेसीज सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इन टू एक्टिविटी क्या द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, साधारण पुरुषों और महिलाओं की वृद्धि में और चरित्र को। ठीक है, क्योंकि वोटिंग होती है, रिप्रेजेंटेटिव को चूज करना होता है, डेमोक्रेसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो चल रहा होता है, तो वो कैसे चल रहा होता है, किसी भी एक ऑर्डिनरी मैन के पास में एक पावर होती है वोट करने की, और वो कैसे चेक की जाती है, इंटेलिजेंस और उसका कैरेक्टर कैसा है। ठीक है, वही उसी के थ्रू डेमोक्रेसी फॉलो कर की जाती है। अगला है समाज के समानता के होने का एक निहार्थ यह है कि उसमें वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, क्या होता है एब्सेंस, किसका होना चाहिए, प्रिविलेज का, विशेषाधिकार किसके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, विशेषाधिकार का अभाव ही समानता कहलाता है, एक तरीके से इक्वालिटी की डेफिनेशन होती है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है,
तो इसी तरह इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए पॉलिटी के इस एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ को। साथ ही साथ आप इस सीरीज़ के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं राजस्थान सिविल सर्विसेज अपकमिंग जो RO AR O का एग्ज़ाम है, या फिर अगर आप प्रीलिम्स देने वाले हैं UPPCS का 2024 में, तो ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। इसलिए बने रहिए चैनल के साथ।